from my hotel. Weather is very nice. And this day is also very calm. अभी हम लोग चलेंगे डॉकी की तरफ. सो टुडे इज गोइंग टू बी अ डे 3 एंड विल स्टार्ट अवर राइड सून. लेट्स सी हाउ इट गोस टुडे. तो अपना लगेज तो रेडी हो गया, लेकिन बाइक अभी भी गंदी है और इसको मैं साफ नहीं कर सकता. यहाँ पर वो लोग मना कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन. मैं इसे पोछूंगा भी नहीं, क्योंकि ड्राई में अगर पोछते हैं तो उसके स्क्रैचेज आने का इशू रहता है. एनीवे, अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार गंदा और होगा ये बाइक. तो पर चेन ल्यूब्रिकेट तो ज़रूर कर लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये था मेरा पिछली रात का आसियाना, एक बंक बेड. ऊपर पे वैसे कोई नहीं था, तो काइंड ऑफ सेपरेट ही था ये. 400 rupees फॉर दिस वन. कोई बैर इसमें जी सब कुछ ऐसा तो था नहीं, सब कुछ साफ सुथरा था. मैंने मेरी वाइफ को वीडियो कॉल करके दिखाया ये रूम. शी वॉज रियली वेरी वेरी अनहैप्पी. शी सेड कि मुझे कुछ अच्छे जगह पे रुकना चाहिए था, बट आप जब राइड करके आते हो तो यू विल बी टायर्ड एंड यू डोंट हैव टाइम टू सर्च. एक ट्रैफिक पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश की थी. He really tried his best to help me, but actually he did not find any accommodation. He had several contacts. He called actually in front of me, but he did not find any accommodation. So I searched on booking.com once again, and then I found this cheap and best. That's all. It's okay. अब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये जूता सूखा है कि नहीं. अंदर में पानी कल गया था बहुत ज़्यादा. If it is dried, then it's fine. Otherwise, I will feel irritation again whole day long today. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइम इज 7:45. एक घंटा लग ही जाता है उठने के बाद सब कुछ तैयारी करने में, बैग को पैक करने में. तो विल स्टार्ट नाउ. या ये क्या हो गया? सुबह सुबह बंद हो रहा था. ठीक है भाई, मिलते हैं. थैंक यू. हाँ हाँ, थैंक्स थैंक्स. टाइम हो गया 8:00 इन द मॉर्निंग और 2 hours 23 minutes का ये राइडिंग टाइम बता रहा है. रीचिंग टाइम है 11:00. 85 kilometers का डिस्टेंस. मुझे लग रहा है 12:00 देर भी बच सकता है. दिस वॉज द स्टे वेयर आई स्टेड लास्ट नाइट, विनीज लॉस. एंड विल गो नाउ, बाय. तो डॉकी के आसपास में ही एक दो और लोकेशन है जहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं. जो वेदर है शिलोंग का, दिस इज़ रियली वेरी प्लेजेंट. तो अभी फ़ोन में गूगल मैप यूज करना पड़ेगा. Connectivity to the hotel is also good. See, now I am connecting to the road. It's not too far. और चलिए चलते हैं डॉकी की तरफ. तो यहाँ पे मैंने रिफ्यूल करा लिया. 100 rupees 86 paise का यहाँ पर रेट है. इट इज़ वेरी चीप. उससे सस्ता यहीं पर है. नहीं, जितना रिमोट जाते जा रहे हैं पेट्रोल सस्ता होता जा रहा है, और जितना मेन लैंड में उतना ही ज़्यादा महंगा है. 4.12 liter 415 rupees का है. पहाड़ों में बसा हुआ एक अच्छा शहर है. और भी कुछ अट्रैक्शन है शिलोंग में जो कि अगर मैं फैमिली के साथ होता तो शायद रुककर उसको देखता, इंजॉय करता. अभी मैं बाइक को बहुत प्यार से चला रहा हूँ और धीरे धीरे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ निकलूँ यहाँ से, शिलोंग से बाहर. जैसे मैंने बताया फैमिली के लिए ये एक स्पॉट है, बॉटनिकल गार्डन टाइप का है, जस्ट लाइक ऊटी. और अच्छे लैंडस्केप है जिसमें आप वॉक कर सकते हो. तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये शिलोंग सर?
अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा व्लॉग बनाने के लिए, नहीं तो ये मैं अपनी मेमोरी के लिए तो बनाता ही हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छे से बनाने का प्रयास करूँगा। तो मैं शिलोंग से बाहर निकल चुका हूँ, थोड़ा व्यस्त है, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स हैं रास्ते में। मुझे लगता है यहीं से जो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है खाली मिल रहा है मुझे। पिछले आधे घंटे से मैं थोड़ा स्लो राइड कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देखिए उधर से कैसे आ रहा है। अब जो है ना, मतलब बीच में नज़ारे भी आए अच्छे, लेकिन अचानक से छोटे छोटे मतलब बिजी मार्केट आ जाते थे और उस वजह से मुझे लगता है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी और व्हीकल की लंबी लाइन लग जाती है तुरंत। ये देखिए सारे व्हीकल्स वहीं पर जाके जमा हो जाएंगे जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं। यही है, मैंने अपने बाइक को रिफ्यूल करा लिया है पूरी तरह से। मुझे डर लग रहा था कि आगे रिमोट एरिया में जाने के बाद मुझे पेट्रोल पंप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिलहाल मैं बिल्कुल ही आराम से बाइक राइड कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आगे क्लाउड तो बहुत दिख रहा है, 80 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस और कवर करना है मुझे, 75 टू 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। और टाइम हो गया है 8:56। ये सब मेरे मेमोरी में फीड हो रहा है परमानेंटली। कैसा लगा ये दृश्य आपको? ऐसा ही है पूरा मेघालय। मुझे बस डर है उन बादलों का जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, कहीं फंस न जाऊं घने बारिशों में, घने बादलों की बारिशों में। अब थोड़ा स्पीड चलाएंगे क्योंकि अब खुला रास्ता मिलना शुरू हो गया है और मैं वार्म अप भी हो चुका हूँ। अच्छा, इन पहाड़ों में मुझे 32 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अभी तक मैं वैसे स्पीड नहीं चला रहा था। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग द बेस्ट माइलेज। आप अगर स्पीड नहीं चलाते हो तो माइलेज मिलेगा, यानी 40-50 में और 60 ओकेजनली उसके बाद। और मैं अभी तक राइड भी नहीं कर रहा था फास्ट, अब मैं राइड करूँगा तो भी मुझे लगता है 30-31 से तो कम का माइलेज नहीं मिलने वाला है। फिलहाल मैं माइलेज को देख के तो बाइक राइड कर ही नहीं रहा हूँ, माइलेज को मैं भुला चुका हूँ। जब फ्यूल ख़त्म होता है रिफ्यूल कराता हूँ और चलते रहता हूँ। इसको पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे जो सामने के लैंडस्केप है ना, इसको ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे इसको पीछे करते हैं। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो डाउकी जो है वो 58 किलोमीटर है स्ट्रेट, नहीं ये इधर घूम गया, यह स्ट्रेट जाने का भी रास्ता है। नहीं नहीं पूछेंगे भैया, डाउकी जाने का रास्ता ये ब्रिज होकर, हाँ ब्रिज से जाने का इधर क्या, और ये रास्ता
ये डॉकी नहीं जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो छोटा छोटा जो जो साइन रहता है ना कि मतलब ऐसे जाके ऐसे, वो बहुत कंफ्यूज करता है। वैसे वो नहीं होगा। चलिए एकदम से मस्त रास्ते हैं अब, और डोमिनार तो अपना मजा ही ला दिया भाई। Yeah! आप लोग कृपया करके मैं जिस तरह से राइड करता हूँ उसको कॉपी करने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से पहाड़ों में बाइक चला रहा हूँ। वायनार, कुर्ग, सिक्किम, गैंगटॉक, पेलिंग, युकसोम, ऊटी, कुड़ाई केनाल, मुन्नार, पता नहीं, मतलब भर भर के मैंने जगह को रिपीट किया है। सिर्फ एक बार नहीं चलाया, मतलब कई दफ़ा मैंने एक ही जगह पे कई बार चलाया है। तो आई नो दैट हाउ टू कंट्रोल द व्हीकल ऑन द कर्व। और बिल्कुल मुझे कॉपी मत कीजिए, अपने सुविधा अनुसार और कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग राइड कीजिए। मैंने कार को भी उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा चलाया है हिल्स में, तो इसलिए कार को भी मैं थोड़ा कभी कभी फास्ट ड्राइव कर लेता हूँ पहाड़ों में, हिल्स में, बिकॉज आई नो हाउ टू कंट्रोल इट अगेन। अपने स्किल को देखिए कि आप कैसे राइड कर सकते हैं। अगर आप मेरे से भी ज़्यादा फास्ट राइड कर सकते हैं, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, यू आर वेलकम टू डू दैट, इट्स ऑल योर विश। बट मुझे देखकर आप बिल्कुल उस चीज़ को फॉलो मत कीजिए, बस मेरे वीडियोज़ में आप सीनिक व्यू को इन्जॉय कीजिए। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा एक्साइट कर रहा होगा कि नहीं, मुझे भी जाना है एक दिन मेघालय, मुझे भी एक दिन जाना है शिलोंग, डॉकी, और इस तरह के हिल्स को एक्सप्लोर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने देश के खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो आई होप यू विल डू इट वन डे। तो मैं तो फ़िलहाल इन्जॉय कर रहा हूँ भगवान की दुआ कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग डॉकी के रास्ते में हैं और रोड अब बहुत ही अच्छे हो गए हैं। पहले थोड़ा बहुत ब्रोकन था, बट अब वैसा नहीं, अब बिल्कुल चिकनी सड़क मिल गई है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, इतना खूबसूरत नज़ारा है। एक लाइन में पहाड़ है और ये देखिए घाटी, आनंद की अनुभूति इसे ही बोलते हैं। वो एक वाटरफॉल है, देयर इज अ वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है ये? ऐसे ही चलिए चलते हैं। मेमोरी कार्ड तो मुझे लगता है 128 GB भी एनफ नहीं है, मैं क्या करूं, पूरा लंबा व्लॉग बन जाता है तो उसमें भी शिकायत है लोगों को। छोटा व्लॉग बनाऊंगा तो दिखाई क्या पाऊंगा, आपको लगेगा कि बस इससे बेटर है कि मैं डेस्टिनेशन पे ही पहुंच के रिकॉर्ड करूं, आपको फील ही नहीं आएगा कि मेघालय है क्या। लिटरली यू वॉन्ट बी एबल टू नो एनीथिंग अबाउट मेघालयस, इसलिए मेरे व्लॉग थोड़े लंबे हो जाते हैं। आई जस्ट होप दैट यू गाइस विल लाइक दिस व्लॉग। कोई नहीं, चलिए हम तो राइड करते रहेंगे।
और भी आगे कुछ अच्छा आया तो दिखाते रहेंगे। अच्छा तो पूरा है, पूरा का पूरा रास्ता रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बट आई होप कि इससे और भी ऐसा अच्छा है कि रुक कर मुझे व्लॉगिंग करना पड़े, तो ज़रूर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि बाइक रोकना मेरी मजबूरी हो गई है। रास्ता में काट ही नहीं पा रहा हूँ, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी आपने क्लिप देखा ही होगा कितना खूबसूरत ये बैकग्राउंड है, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। इसमें शायद अच्छे से ना पता चले, बट बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत बहुत पैसा है लेकिन चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहे, घूम नहीं पा रहे। कुछ लोगों को हेल्थ का इशू होता है, कुछ लोगों को टाइम का कंसर्न होता है, तो उन सब चीज़ों के बीच में भी सामंजस्य बैठाकर घूमने के लिए समय निकालना इट्स नॉट दैट ईजी। आई रियली फील लकी दैट आई एम एबल टू डू इट एंड आई विश एंड आई प्रे दैट यू गाइस आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल आवर कंट्री। इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल, रियली वेरी ब्यूटिफुल। तो खाने की तलाश में था, खाना कहीं मिल नहीं रहा है, या जो मिल रहा है वो अपने लिए है नहीं। थैंक्स भाई, थैंक यू। तो चलेंगे यहाँ से डॉकी, 31 किलोमीटर्स है, 53 मिनट्स का राइड है। भूख वैसे बहुत जोर का लगा नहीं है, शिलोंग से चलते वक्त मैंने कुछ खाया नहीं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे पोर्क बहुत ही कॉमन है। थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ बट इतना भी नहीं तो वो मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो मैंने मैगी भी पूछा कि अगर मैगी भी मिल जाएगा तो चलेगा, बट वो भी नहीं मिला। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप शिलोंग से खाना खाकर निकलिए, क्योंकि आगे रास्ते में ऑप्शन नहीं के बराबर है। आई शुड हैव टेकन हिज एडवाइस सीरियसली। आई एम नॉट फीलिंग सो मच हैंग्री, बट definitely in another 1 hour I will start feeling hungry. I feel like after reaching Doki probably I'll get an option. The खूबसूरत नज़ारे में कोई भी ये नहीं है, कंजूसी नहीं है, मतलब भर भर के हैं, मतलब नज़ारे एकदम से कोने कोने में एकदम नज़ारे ही नज़ारे हैं, नज़ारे ही नज़ारे। एक दो महीने तक उबरना ही मुश्किल है ऐसे खूबसूरत नज़ारों से। और दूसरी चीज़ ये है कि मौसम वाव। देखिए मैंने ग्लव्स वहाँ खोल दिया है, खोल के रख दिया है। इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं लग रही हैं मेरे हाथों में, मज़ा आ रहा है मतलब। और लुक एट दैट साइड व्यू, ओह माय गॉड, आई होप आई विल बी एबल टू गो दैट साइड एंड देन द व्यू विल बी अमेजिंग। सो फाइनली आई फाउंड अ गुड प्लेस टू ईट। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने खाया क्या, लेकिन जो भी खाया इट वॉज बेटर देन द अदर ऑप्शन आई हैड अवेलेबल ऑन द वे। रास्ते में जो भी मिल रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। टाइम हो गया 11:20 और अभी होटल में पूछा मैंने खाते खाते, तो उन्होंने बताया हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए डॉकी पहुँचने में। एवरी वॉर रिसोर्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट, बहुत ही मज़ेदार रास्तों का आनंद लेते हुए हम लोग डॉकी की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम था जब मैं सुबह निकला था अराउंड 10:30, लेकिन अभी ऑलरेडी बज चुके हैं 11:20, यानी कि लगभग लगभग मैं एक घंटे ऑलरेडी लेट हूँ और मिनिमम हाफ एन आवर तो अभी भी लगना चाहिए डॉकी पहुंचने में।
और होटल में मैंने पता किया कि वहाँ पर स्टे का कोई ऑप्शन है या नहीं है, तो बता रहे थे लोग कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब क्या है वो वहीं पर जाकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो हम लोग इस घुमावदार रास्ते का आनंद लेते हुए, डोमिनार का मज़ा लेते हुए चलते रहेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जगह जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो आनंद ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल तो बाग बाग हो गया भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे देश में इतने खूबसूरत जगह हैं। ऑल ओवर सो ट्रैवल, और हमारे देश के ना कि सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहिए बल्कि हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। मेघालय का भी अपना एक इतिहास है, असम से जुड़ा हुआ खुद का अपना कल्चर है। आप लोग के लिए भी मैं कुछ छोड़ देता हूँ, खुद से एक्सप्लोर कीजिए। विकिपीडिया पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत एजेंडा ड्रिवन कंटेंट भी होता है उसमें, विकिपीडिया में। तो जो अच्छे अच्छे हिस्टोरियन हैं, जो प्रूवन हिस्टोरियन है, उनके बुक को पढ़िए, उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा अपने देश के बारे में। तो वो सब मैं आपको आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़िए उन सब चीज़ों को। और जब उसके बाद आप घूमने के लिए निकलेंगे ना, तो मज़ा में और चार चांद लग जाएगा, तब आपको पता चलेगा सिग्निफिकेंस कि आप जहाँ घूम रहे हैं उस जगह का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो मौसम अभी भी बहुत ही अच्छा है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, जबकि आज मैंने रेन लाइनर भी डाला हुआ है अपने राइडिंग जैकेट में, बारिश के डर के मारे। बट मुझे नहीं लगता है कि मुझे बारिश कहीं मिलेगा। रोड थोड़ा सा होता जा रहा है मिक्स्ड, ऊबर खाबर, लेकिन मेरे बाइक का रास्ता कैसे रोकोगे? कार थोड़ी ना है जो चार चक्कों के लिए सोचना पड़ेगा, बाइक है। इधर से निकाल लूँगा, कहीं से भी निकाल लूँगा। तो चलिए आगे, और कुछ अच्छा नज़ारा आता है तो दिखाएंगे और रास्ते का आनंद आप लोगों के साथ में बांटते हुए चलेंगे। तो मेरे पास थोड़ा कैश कम हो रहा था और यहाँ पर मैंने एक ATM देखा है, देखता हूँ यहाँ पर पैसे हैं या नहीं है। तो मैंने लगभग लगभग 10,000 रुपये के आसपास निकाल लिया। कैश रखना बहुत ही ज़रूरी है ट्रैवल में, ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि आप ऐसे कई जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अब जैसे मैं बोटिंग करूँगा, मैं स्टे बुक करूँगा जो रिमोट में है या जिनके पास सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और कई ऐसे सारे पेट्रोल पंप भी हैं जो कि जिनके यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फ़ोनपे, गूगल पे नहीं काम करता। और स्पेशली जब हम लोग ऐसे रिमोट एरिया में हैं जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही हेल्पफुल होता है। और मैं लगातार जहाँ पर मैंने लास्ट में होटल में खाना खाया था, वहाँ से लगातार मैं नीचे ही उतर रहा हूँ। माइलेज भी सरप्राइजिंगली 39 किलोमीटर पर लीटर का आ रहा है ओडोमीटर पे, कितना भी कम करेंगे तो 36-37 तो होएगा ही। तो डॉकी पहुँचने के लिए 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा का दूरी नहीं होगा मेरे ख्याल से, और
मुझे एक जगह ऊपर से तो प्लेन एरिया दिख रहा था, एकदम से बहुत लंबा चौड़ा प्लेन एरिया दिख रहा था, तो आई एम श्योर कि अब हम लोग पहाड़ से नीचे ही उतर रहे हैं। ये जो रोड है बहुत ही तेज़ गति से नीचे की तरफ जा रहा है और बहुत ही शार्प टर्न है। माइलेज 40 किलोमीटर पर लीटर का, बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं भाई। रोड बहुत नैरो है, माइलेज इसलिए भी मिल रहा है कि हम लगातार नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और जब वापस आएंगे तो सब कुछ कंपनसेट हो जाएगा। हाँ, कहाँ बोटिंग? कहाँ पर? नीचे में जो आप लोग बोटिंग करना है, डॉकी रिवर उस तरफ है। हाँ, डॉकी में नहीं, डॉकी में जाना है मुझे। डॉकी आप लोग बोटिंग नहीं करना है? नहीं नहीं, डॉकी जाना है। डॉकी बोटिंग मतलब? तो वो तो डॉकी में होगा ना। हाँ, डॉकी आप लोग बोटिंग करना है या नहीं? करूँगा लेकिन यहाँ नहीं करूँगा ना। हेलो हेलो, कितना कॉस्ट क्या है? हाँ आइए, यहीं पे पकड़ लिया भाई। देखो क्या कॉस्ट क्या है डॉकी में बोटिंग, बताइए तो क्या कॉस्ट है। हाँ हाँ, क्या रेट क्या है? बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कितनी दूर से ये मेरे साथ जाएंगे मुझे नहीं मालूम। तो ठीक है, नए जगह पे क्या करेंगे, हेल्प तो लेना ही पड़ता है। मुझे लगता है वहाँ पर भी ढेर सारे ऑप्शन होंगे, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो मैं इस रोड के बारे में बता रहा था, ये बहुत ही शार्प टर्न वाला रोड है और लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। वेदर भी अब बहुत ही खास नहीं रह गया है। इन लोगों को आपने देखा होगा बनियान पहने हुए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और जो रेन लाइनर मैंने लगा रखा है ना जैकेट में, उसके वजह से हवा तो बिल्कुल मेरे बॉडी तक नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे भी अब गर्मी लग रही है। और ये देखिए कितने सारे ट्रक्स चलते हैं यहाँ इस रूट में, इस वजह से थोड़ा स्पीड का भी इशू आ जाता है। मुझे जाना तो डॉकी है, अब ये कौन से नदी में ये बोटिंग करवा देंगे राम जाने। पकड़ लिया मुझे इतना पहले। तो मैं इसी प्लेन एरिया के बारे में बात कर रहा था, ये हिली टेरेन तो नहीं है, पहाड़ नहीं है, बिल्कुल ही समतल प्लेन एरिया जैसा है। तो वो उधर है बांग्लादेश का बॉर्डर, ये उधर सब लोग बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर। और ये है डॉकी, मैंने अपना बाइक ऊपर पे ही पार्क किया हुआ है और सीढ़ी है ऊपर से नीचे आने के लिए। जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ है यहाँ पर वो